सबसे मैं पूछूंगा कि जब चुनाव होता है तो वो जो ईवीएम को हैंडल करते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो उस समय कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे कम सीटें कैसे आई थी पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में तो नाक काट ली थी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की भी 2014 में 45-46 हजार आदमी की सीटें आई थी, राजस्थान हारे थे, एमपी हारे थे, दिल्ली हारे थे, तब कौन सरकार थी, इनका कोई बहाना नहीं बचा। ये लगातार कांग्रेस को क्यों हरा रहा है जहां चुनाव, मतलब 90% चुनाव ये हार रहा है जहां लड़ने गया। बिल्कुल, आपने ईवीएम याद दिलाया तो देखिए कब, जब इनका खेल फेल हुआ, शरद पवार ने कह दिया ईवीएम ओवीएम का कोई मामला नहीं है। अब इन्हें भी लगता है ठीक है ईवीएम का मामला नहीं, लेकिन हम तो बस उसी पुराने युग में जाएंगे जहां बूथ लूटते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ही कह दिया कि जब तुम जीतते हो तब तो चुपके से दुबक के घर में बैठ जाते हो, हारते हो तो सबके सब आ जाते हो ईवीएम ईवीएम, और धक्के मार का भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इन खिलंदरों को भगाया था जो महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि हम पॉलिटिकल 18 पॉलिटिकल पार्टियों का प्रतिनिधि के रूप में आए ईवीएम को लेकर। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां जूते खाते हैं, ये पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। अभी झारखंड में कह रहे हैं कि मेरा गठबंधन जीत गया, और महाराष्ट्र में जूते पड़े तो कह रहे हैं हम ईवीएम के सहारे। मैं मनीष जी, ये झारखंड और कश्मीर और हरियाणा और इसकी मैं बात ही नहीं करता हूँ, ये ईवीएम का रोना रोते हैं तो दर्शक अपने जो अपने देख रहे हो उन सबसे मैं पूछूंगा कि जब चुनाव होता है तो वो जो ईवीएम को हैंडल करते हैं वो कौन लोग होते हैं, जो जो आपको बूथ पर बैठे होते हैं और ईवीएम देख रहे होते हैं बकायदा नोटिंग वोटिंग करते हैं, वो मनीष जी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं जिनको एक तरह से महीने भर या डेढ़ महीने के लिए उनको चुनाव आयोग के अधीन कर दिया जाता है। उसमें बड़ी संख्या राज्य कर्मचारियों की होती है, कुछ जो केंद्र के कर्मचारी होते हैं, जैसे जो छोटे शहर है वहां तो राज्य कर्मचारी, वहां केंद्र कर्मचारियों की संख्या बड़ी कम होती है। तो जरा गौर करिए कि जब केंद्र के कर्मचारी होते हैं, प्रदेश के कर्मचारी होते हैं, तो ये कांग्रेसी, जरा एक बात का जवाब दे मनीष जी, मैं इनको जरा थोड़ा पीछे ले जाऊंगा कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो केंद्र में भी तुम्हारा पूरे कर्मचारी थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कर्मचारी थे, या समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, तो उस समय कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे कम सीटें कैसे आई थी पूरे देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में तो नाक काट ली थी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की भी 2014 में 45-46 हजार आदमी की सीटें आई थी, तो उस समय कौन है कर रहा था, तब तो ना तो ईवीएम उनके पास थी, ना ईवीएम को हैंडल करने वाले कर्मचारी उनके थे, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी के अखिलेश यादव के अधीन थे, और 2014 में केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी तो जो केंद्रीय कर्मचारी थे कांग्रेस के थे, और ये तो मैं 2014 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, और उससे पहले मनीष जी कि आज जो कर्नाटक तो राजस्थान हारे थे, एमपी हारे थे, दिल्ली हारे थे, तब कौन सरकार थी, तो वो एक तरह से अपने अपने मुंह पर एक काली खुद पोतते हैं जब ईवीएम की बात करते हैं, अन्यथा ईवीएम को हैक करने के लिए आदमी चाहिए ना, तो अलग अलग आदमी चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए, तो वो तो सब सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो कांग्रेस को वो नहीं समझ में आ रहा, तो ये असल में इसकी कारण है मनीष जी कि ये मैंने तथ्य बताया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे जमकर जुटिया के भगाया, और एक नहीं कई बार भगा चुका, ये लगातार जाया करते हैं, फिर वहां खदेड़े जाते हैं, इनके पास बहाना नहीं बचा, आप कुछ इनका कोई बहाना नहीं बचा, ये लगातार कांग्रेस को क्यों हरा रहा है जहां चुनाव, मतलब 90% चुनाव ये हार रहा है जहां लड़ने गया, तो अब ये बहाना क्या बना, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा और किसी की चरण वंदना होनी नहीं है, तो इसी आदमी को स्थापित रखना है, धोखे में उसको भी रखे हैं, खुद भी धोखे में जी रहे हैं, ये धोखे में ही रहेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल था जो इनसे कोई पूछता नहीं है कि 2014 में इतिहास में सबसे बुरी हार इसकी हुई कांग्रेस पार्टी की। सबसे बुरी तब तो मोदी के पास थी ना ईवीएम, तो तुम्हारे कब्जे में थी, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ अखिलेश यादव कब्जे में थी, तो उस समय 2014 में अपने इतिहास की सबसे बुरी हार समाजवादी पार्टी को, दूसरी सबसे बुरी हार मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले 91 में जो गोली चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, तब 91 में 30 सीटें आई थी, अब की 45 आई थी, इस बार 45 से 47 आई थी, तो दूसरी सबसे बुरी है, सबसे बड़ी हार थी, तो उस समय तो तुम्हारे पास थी ईवीएम, तब क्या हो गया था, तो ये एक नहीं, ऐसे कम से कम 1000 कारण बताए जा सकते हैं
कि ये झूठ बोल रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बेशर्मी उड़कर ये लगातार झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से खदेड़े जा चुके, लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए इसीलिए एक वीडियो में लाया कि कैसे राजीव गांधी क्या बोल रहे हैं और एक खड़गे क्या बोल रहा है। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीत गई। तो कुछ गड़बड़ ये है क्या है। ये उस समय भी अपना गणित बैठा रहा था और एक खड़गे अपना खड़गे कह रहा है कि ईवीएम जो है हम बैलेट से ही चुनाव लड़ेंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मनीष जी, ये वीडियो जो आपने सुनवाया राजीव गांधी का, ये बता रहा कि राहुल गांधी से बड़ा पप्पू था ये आदमी। पप्पू था ये आदमी।